नमस्कार, आप सबको हमारे चैनल पर स्वागत है और आशा करते हैं कि आप सब लोग भगवान की कृपा से कुशल मंगल से होंगे। तो चलिए आज के कार्यक्रम को शुरू किया जाए। आज का जो विषय है, चर्चा का जो विषय है, वो है से आजकल गर्मी का दिन चल रहा है। गर्मी में जरूरत पड़ने पर बाहर निकलना ही पड़ता है तो समस्या हो जाती है, सन स्ट्रोक लग जाता है, हो जाता है, और माने सूर्य की तेज किरणों से बीमारियां हो जाती है, जिसको लू लगना कहते हैं। लू लगने से क्या समस्या हो सकती है, लू क्या समस्या हो सकती है, लू लगने का क्या लक्षण है, इसको से कैसे बचाएं बचे जा सकता है, और जैसे कि घरेलू लू लगने के बाद क्या घरेलू उपाय किया जा सकता है, इसी पर चर्चा किया गया है आज चर्चा। और आगे आने वाला वीडियो में इसका जो है से कि इलाज पर चर्चा किया जाएगा, घरेलू इलाज और होम्योपैथिक की दवा बताया जाएगा। आगे आने वाला वीडियो देखना ना भूलें। तो चलिए कार्यक्रम को अब मेन वीडियो पर चर्चा किया जाए। तो देखिए, लू लगने के बाद क्या होगा, लू लगने के क्या लक्षण है। लू लगने में सिर में तेज दर्द हो सकता है, हेडक हो सकता है, चक्कर आ सकता है, और सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। शुरू शुरू में ये जो लक्षण है से कम तेज हो सकता है, धीरे धीरे जैसे कि लक्षण बढ़ सकता है, तेज बुखार हो जाएगा अचानक से, और बुखार तो तेज हो जाएगा लेकिन पसीना नहीं आएगा। अच्छा, और तेज शरीर में दर्द हो सकता है, उल्टी हो सकता है, उल्टी के कारण क्या हो सकता है, शरीर में मिनरल की और में पानी की कमी हो सकती है, सोडियम और पोटासियम का जो संतुलन है उसे बिगड़ जा सकता है, कम संतुलन बिगड़ सकता है। लू लगने क्या करें, लू लगने जब लग गया है अब क्या करें, इस पर चर्चा करते हैं। लू लग गया है उसको क्या करना है कि छायादार जगह पर उसको रखिए और ठंडी जगह पर रखिए और ठंडे पानी का पट्टी दीजिए उसको, और शरीर का जो तापमान है कैसे कम कर किया जा सकता है, तो शरीर के जो है पट्टी उट्टी देने से टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। एसी है, कूलर है, तो इसको चालू कर दें। ये सब हो गया लू लगने के बाद पेशेंट को करना है। इसके बाद डॉक्टर फाक्टर के ले जाना है, ले जा सकते हैं। और जैसे कि अब क्या करें, अब नेक्स्ट पॉइंट है कि क्या करें कि लू न लगे, लू लगने से बचाओ, अपने आप को कैसे बचाओ। तो क्या करना है कि देखिए, गर्मी के दिनों में हल्का खाना खाना है, वैसे भी गर्मी में पाचन क्रिया मंद हो जाती है, तो हल्का भोजन करें, उससे क्या होगा कि पेट ठीक लगेगा। मसाला फसाला ये सब जैसे कि कम खाना है, ऐसे चीज खाना है कि जी जल्दी से हजम हो जाए, और पूरा बांह का कपड़ा पहनिए, बाहर जा रहे हैं तो सूती कपड़ा पहनिए पूरा बांह का, धूप में जाने से पहले कि पूरा बांह का कपड़ा पहनिए और हल्के रंग का कपड़ा पहनिए, सूती कपड़ा पहनिए, हल्का सादा रहे तो और उत्तम है। और खाली पेट ध्यान रखना है कि यदि हमको बाहर जाना है अति में धूप में, तो खाली पेट नहीं जाना है, खाली पेट जाने से लू लगने का चांस रहता है, इसलिए खाली पेट न निकलना है। और छाता का प्रयोग करें, छाता यदि उपलब्ध ना हो तो सिर को जरूर बांध करके रखिए, कपड़ा उपड़ा से सिर को ढक करके रखिए। अच्छा, आज उस गर्मी के दिनों में ज्यादा पानी पीजिए, पानी जो है ज्यादा मात्रा में लेना है, बेल के शरबत ले सकते हैं, अच्छा आमझोरा ले सकते हैं, ये सब जो है गर्मी के दिनों के लिए। आमझोरा जो है, मैंने आमझोरा क्या है, तो आम जो कच्चा आम होता है उसको आग में पका लेते हैं और पका करके पानी में मल देते हैं, मल करके मिक्स कर करके उसको जो है से कि जूस बना लेते हैं और पीते हैं। आमझोरा जो है से कि गर्मी के दिनों के लिए बहुत ही उत्तम है, उत्तम असरदार है। प्याज, कच्चा प्याज, वो भी जो है से कि लू से बचाव भी करता है और लू लगने भी नहीं देता है, कच्चा प्याज। धनिया, पुदीना, धनिया जो है, धनिया और पुदीना का जूस पीने से भी
लू लगने में लाभ होता है, ठंडा रखता है पेट को, धनिया पुदीना, तो ये सब का यूज करें। बेल का शरबत है, उसको ले सकते हैं। तो ये सब हो गए घरेलू उपाय। तो अब देखिए इस वीडियो में ये चीज आपको जानने को मिला कि लू लगने के क्या लक्षण हैं, उसको से कैसे बचें। संक्षेप में फिर से इसको बता देते हैं पॉइंट को कि लू लगने के बाद क्या होगा। शरीर में दर्द होगा, सिर में दर्द होगा, चक्कर आएगा, उल्टी आएगा, तेज बुखार हो जाएगा, पसीना नहीं निकलेगा, ये सब समस्या होगी। और बचाव कैसे करना है भाई, सूती कपड़ा पहनना है धूप में जाने पर, और माथा को ढक करके रखना है, छाता वगैरह का प्रयोग करें, और गर्मी के दिनों में जैसे कि बचाव के लिए अमझोरा है का प्रयोग करें, खाएं, और धनिया पुदीना ठंडे चीज जो है उसको लें, ये सबसे लाभ होगा मिलेगा। तो यही हुआ। अब जैसे कि आप लोग बताने की कृपा करें कि आपको इसमें क्या अच्छा लगा, कमेंट करके बताइए। तो और क्या चाहते हैं, किस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं, तो उस पर बनाने का प्रयास करूँगा। अच्छा, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगला वीडियो जो आएगा इसमें जैसे कि घरेलू उपाय बताएंगे और होम्योपैथी की दवाओं क्या होगी लू लगने पर, इसके पर चर्चा करेंगे। इसलिए आगे आने वाला वीडियो अवश्य देखें, देखना न भूलें। नमस्कार, जय हिंद।